ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते, इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे रोकिए, तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी। मैं पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। तो पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा। तो मैं अपने कार्यकर्ता के टू व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस टू व्हीलर को घेरा, तो फिर मैं उससे उतर गई और वहाँ यहाँ तक पैदल आई हूँ। आप ऐसे गाड़ी कैसे रोक, आप किस सड़क पर गाड़ी, आप ऐसे गाड़ी कैसे रोक जाने के तौर आपको जहाँ तक की परमिशन, कहाँ जाना है आपको तरीका नहीं मैडम, आपको तरीका ठीक है, फ्रीडम नहीं है क्या, फ्लीट प्रभारी है, फ्लीट प्रभारी है, नहीं लेकिन आप कैसे रोक सकते हैं, आपको मुझे बताना चाहिए, ऐसे थोड़ी नहीं कहाँ जाऊँ, कुछ नॉच नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है।